7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इसराइल पर अभी तक का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक हमला किया था और हमास के लड़ाके 240 से ज्यादा इसराइलियों को बंधक बनाकर गाजा ले गए थे। हालांकि इसके बाद कुछ बंधकों की रिहाई भी हुई, लेकिन गाजा के भीतर अभी भी 100 से ज्यादा इसराइल बंधक हमास के कब्जे में हैं। और 7 अक्टूबर के बाद IDF गाजा में ये कहते हुए घुस गई कि वो हमास का नामो निशान मिटा देगी, लेकिन इस जंग को एक साल पूरा हो चुका है। हमास अभी भी गाजा के भीतर मौजूद है। जिन इलाकों से IDF ने हमास का सफाया किया था, वहां पर हमास एक बार फिर से IDF के ऊपर गोरिल्ला स्टाइल में अटैक कर रहा है। हमास के लड़ाके बकायदा इन हमलों का वीडियो रिकॉर्ड करके रिलीज कर रहे हैं और अब इसी कड़ी में पश्चिमी जबालिया में हमास की सैन्य शाखा अल कासिम ब्रिगेड ने IDF के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला किया। अल कासिम का कहना है कि उसने IDF की एक पैदल यूनिट को बूबी ट्रैप में फंसाकर अटैक किया। दरअसल एक बिल्डिंग के भीतर बारूद छिपाया गया था जिसमें IDF के जवान मौजूद थे और हमास के लड़ाकों ने इसी बिल्डिंग को बारूद से उड़ा दिया। अल कासिम का कहना है कि जैसे ही इस यूनिट को रेस्क्यू करने के लिए IDF की रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंची तो उस पर भी हमला कर दिया गया। अल कासिम के मुताबिक इस हमले में IDF को भारी जानमाल का नुकसान हुआ, यहां तक कि अल कासिम में IDF के एक D9 बुलडोजर को भी निशाना बनाया गया। इसके अलावा जब इजरायली सैनिक अल नवरस रिजॉर्ट की तरफ बढ़ रहे थे तब उनके ऊपर मोर्टार गोले दागे गए, यहां तक कि गाजा के उत्तरी इलाके में IDF की पोजीशन पर भी जमकर बमबारी हुई। आपको बता दें कि अल कासिम ब्रिगेड ने पूर्वी राहफा के अल रैयान इलाके में भी IDF के एक बुलडोजर पर अल यासिन 105 गोले दागे। वहीं दूसरी तरफ इन हमलों के बीच अल कुद्स ब्रिगेड ने भी इजराइल के कई सेटलमेंट्स पर भीषण बमबारी की है। अल कुद्स ब्रिगेड्स का कहना है कि उसने स्टेरोट नेर एम और गाजा के आसपास बने सेटलमेंट्स पर रॉकेटों का पूरा जत्था फायर किया। इसकी वजह से इसराइल के कई सेटलमेंट्स में हवाई हमलों के सायरन बजे और अफरा तफरी मच गई। और इसी हमले के दौरान अल कासिम ब्रिगेड ने जबालिया के अल कसासिब में IDF के जमावड़े पर तंडेम और RPG एंटी टैंक गोले दागे। अल कासिम ने इस हमले का एक वीडियो भी रिलीज किया जिसमें साफ दिख रहा है कि कैसे IDF के करीब 4 जवान मैदान में चलते जा रहे हैं, तभी उनके पीछे से हमास के लड़ाके दनादन रॉकेट और गोले दागने लगते हैं। इस वीडियो के बाद अलक्सा ब्रिगेड ने भी एक वीडियो जारी किया है। ये वीडियो नेटजारिन ने IDF की चौकियों पर हमले का है। अलक्सा ब्रिगेड्स का कहना है कि उसने यहां पर IDF के ऊपर मोर्टार गोले और 2 107 रॉकेट फायर किए हैं। अलक्सा के इस वीडियो में दिख रहा है कि कैसे एक लड़ाका 2 रॉकेटों को बारी बारी से बोरियों के सहारे खड़ा करता है और फिर उनके तारों को जोड़ते हुए उन्हें फायर कर देता है। आपको बता दें कि अलक्सा ब्रिगेड जब ये अटैक कर रही थी तो उसी दौरान राफा क्रॉसिंग के पास उमर अल कासिम ब्रिगेड के लड़ाके भी IDF पर कहर बरपा रहे थे। उमर ब्रिगेड ने इस अटैक का एक वीडियो भी जारी किया जिसमें एक लड़ाका खंडर पड़ी इमारत के पीछे से लगातार रॉकेट फायर कर रहा है। इसके बाद IDF के बुलडेजर पर भी एक रॉकेट फायर किया जाता है।